जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर पंडाल सज रहे हैं। अभी मैं आप लोग को अंदर से भी पंडाल दिखाऊंगा। ये बाहर की तरफ से कुछ इस प्रकार से है। मैंने सुना है कि पंडाल में एसी भी लगा है दोस्तों, वो एसी भी मैं आप लोग को कोशिश करूँगा कि दिखा सकूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर एसी रखा हुआ है, ये फिटिंग की गई है अंदर की तरफ। और ये पंडाल जो आप लोग दोस्तों देख रहे हैं, ये वाटरप्रूफ पंडाल है। अगर बारिश होगी तब भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है पब्लिक को। जैसा कि दोस्तों आप लोग पंडाल देख पा रहे हैं, काफ़ी ही बड़ा पंडाल यहाँ पर बना हुआ है। और मंच की तरफ मैं आप लोग को दिखा दूँ दोस्तों, मंच कुछ इस तरीके से दिखा हुआ, इतना लाइट लगा है। और पंडाल पूरा का पूरा वाटरप्रूफ है। अगर बारिश भी होती है तो कोई अड़चन आने वाला नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं साउंड लगा हुआ है, काफ़ी सारे साउंड लगे हुए हैं। चलिए हम दोस्तों अंदर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अभी स्टेज सज रहा है फूलों की, अभी पूरी की पूरी माला लगेगी यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम किया जा रहा है मज़दूर लोगों के लिए। यहाँ पर एक LCD लगा हुआ है, जैसा कि दोस्तों देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा दूरी से जब आपको नहीं दिखेगा तो आप LCD में भी CM योगी जी को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कितना बड़ा ये कूलर है। दोस्तों आप लोग साउंड देख लीजिए, कितनी आवाज़ है कि हो सकता है आपको मेरी आवाज़ भी ना जा रही हो। और ये यहाँ पर कन्या इंटर कॉलेज है। दोस्तों आप लोग देखिए, बहुत ही बेहतरीन साउंड क्वालिटी यहाँ की है। मेरी आवाज़ भी आप लोगों को नहीं जा रही होगी। मैं काफ़ी तेज़ी से बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ आप लोग को नहीं जा रही होगी। दोस्तों आप लोग देख लीजिए, कन्या इंटर कॉलेज है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को यहाँ दिखाया था। ये
जब मैं वीडियो बनाया था तो कलर नहीं था, लेकिन योगी जी के आने पर ये कलर भी हो चुका है।